संभल के सदर कोतवाली इलाके के मोहल्ला कोट पूर्वी में खाद्य विभाग की टीम ने मिठाई की दुकान पर छापा मारा है। वहीं भाजपा नेता के घर के निकट खाद्य विभाग की टीम की छापेमार कार्रवाई से हड़कंप मच गया। इस दौरान खाद्य विभाग की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। सूचना मिलते ही भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंघल भी मौके पर आ पहुंचे। उन्होंने छापेमारी करने आई टीम से नाराजगी जाहिर की। भाजपा नेता ने खाद्य विभाग की टीम को मिठाई की दुकान से सैंपल नहीं भरने की तमाम कोशिश की, लेकिन खाद्य विभाग के अधिकारी बगैर सैंपल लिए जाने को तैयार नहीं हुए। इसके बाद फूड विभाग की टीम ने मिठाई की दुकान से कुछ नमूने लिए और चले गए। पार्टी कार्यालय को जा रहा था, तभी जो है यहाँ पर सूचना मिली और यहाँ पर हंगामा हो रहा था। लोगों ने बताया कि सैंपल के नाम पर हमसे जो है मोटी रकम मांगी जा रही है, और मैंने कहा क्यों मांग रहे हो मोटी रकम, क्यों मांग रहे हो, क्या बात है, तो बस कोई जवाब नहीं दे पाए। और जो है कहने की कि हमारे साथ बच्चे भी होंगे और उल्टा रहे हैं ये लोग अपना परिचय। आपने 50,000 रुपये का भी आरोप लगाया है कि 50,000 रुपये मांग रहे थे ये लोग। हाँ, ये अभी बता रहे हैं, आपके सामने बताया लोगों ने कि हमसे रुपये मांग रहे थे, तो मैंने भाई किस बात के रुपये मांग रहे हो, क्या बात है, बोला हम सैंपलिंग अधिकारी है, तो बताइए इस तरह से मांग रहे हैं। अपनी सरकार हमारी सरकार को बदनाम करने का प्रयास है। मैं इस संबंध में अभी इनसे बात करूँगा, और मैं अभी अभी आया हूँ, मैं निकला हुआ जा रहा था। कौन से विभाग से बता रहे हैं, क्या क्या नाम बता, नाम बताए कुछ अपने विभाग से बता रहे हैं, नाम बताए कुछ अपने उन्होंने नाम अपने अजय कुमार जी बता रहे हैं और सुधीर कुमार जी दो इस पर। कोई प्राइवेट लोग भी इनके साथ हैं? हाँ, प्राइवेट भी। हाँ, ये जांच बताएंगे।